दूरबीन दीजिए। मोदी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे किसी कष्ट हो, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। कैसा लगा मेरा मजाक? आप भी साथ चेक किए होंगे, पूरा भारत जनता चेक कर रहा है। बताइए, एक मुसलमान, एक सिख, एक ईसाई, किसी के साथ यहाँ भेदभाव भया भारत में? बताइए। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। पूरी तरह भेदभाव है। किसी एक मुस्लिम ने कहीं भी सड़क चलते हुए रास्ते में नमाज पढ़ ली, फौरन उसके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। मगर क्यों? पिछले साल ईद आई थी, मीठी ईद जब आई थी, कानपुर में 40 लोग जो है मस्जिद के बाहर तक आ गए थे, नमाज पढ़ रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का। ऐसे तो नहीं होता है। ठीक है जी, उसके बाद आपको थप्पड़ कांड याद होगा, पिछले साल मुजफ्फरनगर में, जिसपे सुप्रीम कोर्ट लगातार अपडेट ले रहा है, उसमें उसने बच्चे को पिटवाया, क्या कह गए, अरे इसको मारो, ये मोमडन है। उसको दूसरे बच्चों से थप्पड़ पड़वाए, उसके ऊपर आज तक क्या हुआ? ना उसके ऊपर कोई FIR है, ना वो अंदर गई, ना उसका घर बुलडोजर से ढाया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या करा आपने बताइए? आपके लगातार BJP IT सेल के 3-3 बलात्कारी थे, जिन्होंने BHU में लड़की के साथ गैंगरेप करा था। अरे देवा, उनके घर पे क्या उन्होंने बुलडोजर चलाया? अगर यही तीनों नाम बदल के मुस्लिम होते, आज वो सारे के सारे जमींदोज हो चुके होते। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सबसे पहला भेदभाव मैं मोदी जी के 303 सांसद है, उनमें से किसी एक मुस्लिम सांसद का नाम बता दो। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। क्यों नहीं मुसलमानों, क्यों नहीं टिकट देते? देना चाहिए, सुबह देना चाहिए। हम बताए नहीं। ये लगातार मेरी बातें सुन सुन के ना, वीडियो घर में भी आपके थ्रू बहुत ऊपर तक पहुँच रही है, क्योंकि हर बार हम ये सवाल उठाते हैं कि एक मुस्लिम सांसद का नाम बता दो, तो शायद ये बात ऊपर तक पहुंच गई। इस बार उन्होंने एक मुस्लिम नाम घोषित करा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये हमारी जनता की आवाज होती है जो आज इतने ऊपर तक पहुँच रही है।